28 जनवरी साल 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला जी गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर साल 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और एक महीने बाद ही 17 दिसंबर साल 1928 में ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला जी के बलिदान का बदला लिया। 28 जनवरी साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इससे ठीक दो दिन पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दिन सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जो भारत की संसद का ही भाग था। अपने उद्घाटन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू की। इससे पूर्व इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 के बीच 12 वर्षों तक बैठा। न्यायालय 1958 में वर्तमान भवन में चला गया, जो आज नई दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित है। इमारत को न्याय के तराजू के रूप में आकार दिया गया है। इमारत का सेंट्रल विंग तराजू का केंद्र बीम है। साल 1979 में दो न्यू विंग, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग को कॉम्प्लेक्स में जोड़ा गया। हरिलाल जे कनिया ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।